अब क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं खो खो की। दिल्ली में आयोजित हुई खो खो की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब महाराष्ट्र की टीम ने अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप में 73 टीमों के 1300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खो खो की विश्व चैंपियनशिप अगले साल इंग्लैंड में आयोजित होनी है, ऐसे में ये प्रतियोगिता इस लिहाज से काफी अहम रही। दिल्ली में पिछले दिनों खो खो खेल का रंग जमकर बरसा। 56वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और इस खेल में अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की हर एक रणनीति पर खुद को खरा उतारा। खो खो आमतौर पर मिट्टी का खेल है, लेकिन इस बार इसका अंदाज बदला बदला दिखा जहां खो खो मैट पर नजर आया। वैसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में महाराष्ट्र का दबदबा पुरुष और महिला दोनों वर्ग में दिखा, लेकिन बड़ी बात यह रही कि इस खेल को लेकर जिस तरह का जुनून और रोमांच खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों के सिर चढ़कर बोला वह बेहद सराहनीय रहा। खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल के मुताबिक खो खो का खेल देश में एक नई ऊंचाई ले रहा है और आने वाले समय में यह एक वृहद रूप में नजर आएगा। भारत सरकार का बहुत आभार है प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने देश की माटी के खेलों को जो विश्व भर में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, उसी के चलते आज ये खेल 37 देशों में खेला जाता है और उनके उत्साह से, उनके प्रोत्साहन से हम इसको विश्व स्तरीय गेम बनाने में सफल होंगे। वहीं खिलाड़ियों ने भी माना कि उनके लिए इस तरह का मंच उन्हें आगे बढ़ाने में बेहद सार्थक साबित हुआ है। अभी तो हम लोग ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, इसलिए हम लोग इतना मतलब इतने बड़े लेवल पे जीते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मुझे खुशी की बात है कि हम लोग इतने जीते। ये बहुत हमारे लिए प्लेटफॉर्म जरूरी था क्योंकि बहुत साल से खो खो एक बेस में था, अभी उनको ग्लैमर जो मिला है उसकी वजह से सारे प्लेयर्स एक पूरे इंडिया में छा गए, पूरे इंडिया में अभी नॉन प्लेयर हो चुके हैं, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही हमारे ऊपर फायदेमंद रहा कि मैट के ऊपर खेल रहे, अल्टीमेट लीग खेल रहे सोनी टीवी के ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। खो खो का खेल फिलहाल विश्व स्तर पर 137 देशों में खेला जा रहा है, लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपनी असली जगह बनानी है, जिसमें इस तरह के प्रयास की जितनी सराहना की जाए कम है। खो खो की राष्ट्रीय चैंपियनशिप भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन अपने पीछे हौसले और हुनर की वो नींव खड़ी कर गई है, जिस नींव पर आगे बढ़ करके यही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नाम को एक नया मुकाम देंगे। कैमरामैन राजेश त्रिकी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज दिल्ली। तो रमा, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत शुक्रिया गौरव तमाम खबरों की जानकारी के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं।